पश्चाताप एवं प्रायश्चित की चर्चा चल रही है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं, नरकों का विस्तृत वर्णन सुन के राजा परीक्षित एडी से लेकर सिर तक कांप गए हैं और प्रश्न पूछते हैं, महाराज देराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि व्यक्ति नर्क की यातनाएं न झेले, इनसे बच जाए, नर्क द्वार में प्रवेश ही न करना पड़े? हम सबका प्रश्न है, राजा परीक्षित के मुख से निकला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन संसार में कोई ऐसा पाप नहीं जिसका शास्त्र प्रायश्चित वर्णन नहीं करते, हर पाप का प्रायश्चित है, प्रायश्चित करके पाप नष्ट कर दिया जाता है, उसे भस्म कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। बार बार के प्रायश्चित से, प्रत्येक पाप के प्रायश्चित से व्यक्ति निष्पाप होके जब परमात्मा के दरबार में जाएगा तो वह नरकगामी नहीं हो सकेगा, वह सीधा परमधाम प्राप्त होगा। राजा परीक्षित कहता है, महाराज पाप का प्रायश्चित व्यक्ति कर भी ले, जिस पाप का प्रायश्चित किया है मानो वह पाप नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी तो पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, उसके बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है महाराज। हाँ राजन ठीक कहते हो, व्हाट ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पाप तो एक नष्ट हुआ जिसका प्रायश्चित किया, पीछे लाइन लगी हुई है, चलिए अनेक पापों का भी आपने प्रायश्चित कर लिया, लेकिन कैसे गारंटी ली जाए कि आगे पाप करने की प्रवृत्ति या पाप करने की इच्छा ही मिट जाएगी? ये नहीं होता। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन तुम ठीक कह रहे हो, प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है, पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होती। पुनः सुनो, प्रायश्चित से पाप तो उन्मूल किया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे जलाया जा सकता है, उसे खाक बनाया जा सकता है, लेकिन पाप करने की इच्छा नहीं मिटती, उस इच्छा की प्रेरक को वासना कहा जाता है। तो क्या किया जाए, राजा परीक्षित पूछते हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर संक्षिप्त उत्तर देते हैं, कहते हैं, राजन सर्वप्रथम कुछ भी कर लो, यदि साधना में जीवन, भक्ति में जीवन व्यतीत करना है, यदि जीवन शांत चाहते हो, अनंतमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो मन पर कभी भरोसा नहीं करना। कैसी मार्मिक बातें हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने कही हुई हैं, मन पर कभी भरोसा नहीं करना, कब गिरा के रख देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका स्वभाव ही है नीचे की ओर जाना, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर ही बहता है, मन का स्वभाव भी है सदा अधोगामी रहता है। संत महात्मा फरमाते हैं, जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत है, इसी प्रकार से मन को परमात्मा की ओर ऊर्ध्वगामी करने के लिए मंत्र की जरूरत है। ये मंत्र बहुत बड़ी चीज है, ये राम नाम, ये नाम, ये मंत्र बहुत बड़ी चीज है हमारे पास, जो स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। सुखदेव कहते हैं, राजन तपश्चर्या से बहुत कठिन बात है, तपश्चर्या अर्थात प्रायश्चित, दुख सह के जो
कर्म किया जाए, जप पाठ इत्यादि, वह तपश्चर्या के अंतर्गत आ जाता है। दुख सह के जो ये सब सत्कर्म किए जाते हैं, इससे पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इसे तपश्चर्या कहिए, अनुष्ठान कहिए, उपवास कहिए, व्रत इत्यादि कहिए, मानो जो कुछ भी किया जाता है। मैं इतने दिन तक, इतने महीनों तक, इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तप है। मानो कठिनाई सह के जो कुछ भी किया जाता है उसे तपश्चर्या कहा जाता है, उसे तप कहा जाता है। राजन, इस तप से जो बहुत कठिन है, सब लोग सो रहे हैं, आपकी नींद उड़ी हुई है, आप उस आनंद को खत्म करके तो आप जप के लिए बैठे हुए हैं, जब सो रहे हैं तो ये तपस्या है, ये तपश्चर्या है। तपश्चर्या कठिन है, यम नियम इत्यादि इन सब का पालन करना, अहिंसा का पालन करना इत्यादि इत्यादि, ये यम नियम के अंतर्गत बहुत सी चीजें वर्णित की गई हैं, इन सब को तपश्चर्या कहा गया है। लोग चतुर्मास करते हैं, चार चार महीने के लिए ये अनुष्ठान लेते हैं, इतना जप करूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो करूंगा, उपवास इत्यादि करूंगा, इन सब बातों का पालन करूंगा, इनको अनुष्ठान कहा जाता है। चतुर्मास लोग करते हैं एक एक पाप के मार्जन के लिए, कि वह पाप हमारा नष्ट हो जाए, उन्मूल हो जाए। शुकदेव यहां समझाते हैं, जिस पाप का प्रायश्चित हो जाए राजन, ये विश्वास रखो कि वह पाप नष्ट हो गया, उस पाप को फिर कभी रिपीट नहीं करना। बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें कही गई हैं। जिस पाप का प्रायश्चित किया है, जिस पाप का आपने प्रायश्चित कर लिया है, वह पाप यूं समझिएगा कि नष्ट नहीं हुआ, मुरझा सा गया है। ऐसा संत महात्मा समझाते हैं, जैसे ही उसे पानी मिलता है वह फिर हरा भरा हो जाता है। अतएव जिस पाप का प्रायश्चित हो गया, उस पाप को दोबारा नहीं करना, मन पर कभी विश्वास नहीं करना। राजन, तपश्चर्या से सबके सब पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा नहीं मरती। अतएव सुगमतम साधन पापों को नष्ट करने का एवं पाप की इच्छा अर्थात वासना, जिसके पीछे अहंकार है, अज्ञानता है, इसको उन्मूल करने का, इन दोनों को उन्मूल करने का सुगमतम साधन है परमेश्वर की शरणागति, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। नाम जप में विशेष तौर से कहते हैं, राम नाम जप में इतना समर्थ है कि वह पाप को भी उन्मूल कर देता है, उसे भी भस्म कर देता है, एवं पाप करने की जो प्रवृत्ति है जिसे वासना कहा जाता है, उसे भी उन्मूल कर देता है। अतएव समर्पित भाव से, शरणागत भाव से, मैं परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, मेरा सब कुछ तेरे समर्पित है, समर्पित भाव से यदि नाम जपा जाए, राम नाम की आराधना की जाए, तो उससे पाप एवं पाप करने की प्रवृत्ति दोनों नष्ट हो जाती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरुजनों के पास जाके, संतों महात्माओं के पास जाके, महापुरुषों के पास जाके अपने पापों का वर्णन कीजिए। गुरुकुल की बातें होती होंगी, जहाँ शिष्य और गुरु इकट्ठे रहते थे, दिन भर में जो कोई गलती होती थी शाम को, या 24 घंटे की गलती अगले दिन सुबह गुरु महाराज के श्री चरणों में वर्णन कर दी जाती थी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में रोज बुहारी लगाई जाती है, घर साफ कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से गुरुजनों के सामने अपने पापों का वर्णन करने से
अंदर से एक बुहारी रोज के रोज लगती जाती है, रोज के रोज इसकी सफाई होती जाती है। हाँ, ये तो रोज के कामों की बात हो गई, इसे स्वामी जी ने आलोचना कहा है, पश्चातापपूर्वक वर्णन करना, मनो रो के दुखी होके कि मुझे ऐसा करने से दुख महसूस हो रहा है, बड़ी वेदना महसूस हो रही है, तकलीफ महसूस हो रही है, ये मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। इन भावना से यदि गुरु के सामने, संत के सामने या किसी महापुरुष के सामने कन्फेशन किया जाता है, पाप माना जाता है, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसका पाप धुल जाता है। जो पाप किए हुए हैं उनका क्या किया जाए? हमारा सिस्टम तो बड़ा अलग है, हम तो बड़ा पापी जीवन व्यतीत कर चुके हुए हैं, हमारा जीवन इस प्रकार का धुला धाला जीवन नहीं है, बहुत पाप जिंदगी में हुए हैं, जाने में भी हुए हैं, अनजाने में भी हुए हैं, पाप स्वयं भी किए हैं और पाप किसी द्वारा प्रेरित होके भी किए हैं, पर पाप हुए हैं, उनका किया जाए, उनका क्या किया जाए? स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं बहुत कठिन काम है, शूरवीरों का काम है, जो कोई माई का लाल कर जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। संतों महात्माओं के पास जाके, गुरुजनों के पास जाके अपने मुख से अपने एक एक पाप का वर्णन करो, वर्णन करके उनसे प्रायश्चित पूछो। सुखदेव ने एक लंबी स्टेटमेंट दी है, एक खुली स्टेटमेंट दी है कि नाम जब से पाप खत्म हो जाता है एवं पाप करने की इच्छा भी मिट जाती है, खत्म हो जाती है, कितना जाप, कितना नाम जपना होगा? क्या सारी जिंदगी पर जपते रहें एक पाप के लिए? तो एक जन्म तो एक पाप पे निकल गया, तो हमने तो कई पाप किए हुए हैं, मानो कई जन्म हमें लगेंगे अपने किए हुए पापों का मार्जन करने के लिए, इनको अनुमूल करने के लिए। यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं एक साधन बताता हूं, अपनी मर्जी से करोगे तो कभी सीमा निर्धारित नहीं कर सकोगे। गुरुमुख से निकला हुआ शब्द इतने दिन के लिए प्रायश्चित कीजिए, 40 दिन के लिए कीजिए, 4 मास के लिए कीजिए, दिन में इतना जप कीजिएगा, इतने अमृतवाणी के पाठ कीजिएगा, तो उसमें वह पाप धुल जाएगा। गुरु के पास जाके, संत महात्मा के पास जाके कन्फेशन करने से, अपने मुख से बोलने से, जो मेथड, जितना मेथड वह बताते हैं उससे उस पाप का मार्जन हो जाता है, वह पाप खत्म हो जाता है। अन्यथा देवी सज्जनों, सीमा निर्धारित करनी साधक के लिए बहुत कठिन बात है। तो ये बहुत कठिन बात है। कुछ दिनों से साधक बहुत हिम्मत करके आ रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, बहुत कठिन काम है। इतना ही उनसे अर्ज करता हूं, देवियों सज्जनों, आप आए हो मेरे पास, मैं सुझाव तो तभी दे सकूंगा जब आप मुख खोलोगे, कैसा पाप है उसके मुताबिक प्रायश्चित का निर्णय दिया जाता है, इतना इतना करो तो प्रायश्चित होगा और उस प्रायश्चित से आपका वर्णित पाप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सदक्षिणों, ऐसा करना बिना कहूँगा बहुत कठिन बात है, बहरहाल हमारे पास साधन है, नाम जप का करते रहिएगा। यदि बल है ऐसा कि ये पाप वर्णन करने योग्य है, करते हैं लोग, ऐसे हिम्मत वाले हैं साधक, बच्चियां हैं ऐसी जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाप किया और झट आके मुझे बता दिया कल हमसे ये गुनाह हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं। पर मत सोचिएगा कि मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं कि आप सब आइएगा और अपना अपना वर्णन मेरे सामने कीजिएगा, नहीं। बहरहाल इतनी तो प्रार्थना आप सबसे करता हूं कि आप नाम जप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कीजिएगा। सुखदेव जी यहां समझाते हैं, राजन
कलयुग है, कलयुग में स्वरूप पूजा, आप वृंदावन जाते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, वह स्वरूप पूजा है। स्वरूप पूजा, सुखदेव के शब्द सुनो माता, कहते हैं बहुत आसान है, बहुत प्रभावी है, पर अति कठिन। उसमें अति पवित्रता की आवश्यकता है जो संभव नहीं है। मात्र वृंदावन चक्कर लगाने के लिए गए तो चक्कर ही रहता है, वह चक्कर के बाद चक्कर। जैसी पवित्रता चाहिए स्वरूप पूजा में, ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। कहते हैं जैसी पवित्रता स्वरूप पूजा के लिए कलयुग में चाहिए, वैसी पवित्रता निभाई नहीं जा सकती। अतएव नाम उपासना जिसमें पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है ही सुगमतम उपासना है कलयुग में। सुखदेव जी को पता है, राजा परीक्षित के मुख बोलने से ही कलयुग का आगमन हो जाएगा। अतएव घटनाएं तैयारी उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसी कलयुग में होनी चाहिए। तो देवी सचनु यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा इस प्रसंग को। कल आपातकाल के साथ साथ ही श्रद्धा शुरू हो जाएगी, सो जैसी जैसी प्रसंग आगे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे चर्चा भी बदलते रहेंगी। सदाचार की चर्चा जो शुरू की थी खत्म नहीं हुई है, लंबी चर्चा है, वह रविवार के सत्संगों में जारी रखेंगे। यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।